host Megha and you are watching Next to 9 News. A very warm welcome to our special program जहां हम आपसे बात करने वाले हैं बच्चन फैमिली के बारे में. As you all know, बॉलीवुड की दुनिया में बी टाउन की गलियों में ग्लैमर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित परिवार की अगर बात की जाए, सबसे पहला नाम इस लिस्ट में बच्चन फैमिली का ही आता है. इस फैमिली के रिश्ते, इस फैमिली की एकता, इस फैमिली की खुशियाँ हमेशा बनती हैं टॉप ऑफ द टाउन, टॉप ऑफ द टाउन. लेकिन क्या लगता है आपको, जिस फैमिली के चर्चे हर जगह होते हैं उस फैमिली के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं जुड़ी होंगी? अगर ऐसा सोच कर बैठे हैं आप तो काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इज्जत बच्चन परिवार की है उतने ही ज़्यादा विवाद इस फैमिली के साथ जुड़े हैं. फिर चाहे हम यहाँ पर बात करें ऐश्वर्या अमिताभ के रिश्ते की, हम आपसे बात करें सासू माँ और बहू रानी के रिश्ते की, बात चाहे यहाँ भाभी और ननद की जाए, या फिर परफेक्ट कपल यानी कि ऐश्वर्या और अभिषेक की जाए, समय के बीतने के साथ इस परिवार पर कई बार सवाल उठाए गए हैं. किसी ने कहा ऐश्वर्या और जया की बिल्कुल नहीं बनती, कोई कहता है कि भाभी और ननद में खटपट होती रहती है, तो कोई कहता है पति पत्नी के बीच झगड़े तलाक का रूप लेने वाले हैं. कहने वालों ने कई तरह की बातें कही. विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस, आज बच्चन फैमिली के रिश्तों का आईना हम देखने वाले हैं. डालिए नजर इस खास रिपोर्ट पर. बच्चन परिवार जितना ज्यादा प्रतिष्ठित है उतनी ही ज्यादा खबरें भी इस परिवार को लेकर आती रही हैं. जितना ज्यादा नाम इस परिवार ने कमाया है उतने ही ज्यादा विवाद बच्चन परिवार के साथ जुड़े हुए हैं. और आज हम आपको बताने वाले हैं उस बस के बारे में जो बच्चन परिवार के रिश्ते हमेशा से क्रिएट करते रहे हैं. शुरुआत करेंगे ससुर अमिताभ के साथ. बता दें आपको, अमिताभ और ऐश्वर्या यानी ससुर और बहू का रिश्ता, हमारे देश भारत में ससुर को पिता की तरह देखा जाता है और बहू को बेटी की तरह. इन सबके बीच में आए दिन हम सुनते रहते हैं ससुर और बहू के रिश्ते से जुड़ी तीखी बातें. वेल, हैरानी होगी आपको जानकर कि ये तीखी बयानबाजी अमिताभ और ऐश्वर्या के रिश्ते से भी जुड़ी हुई रही है, जिसकी शुरुआत हुई उन वायरल तस्वीरों से जो इन दोनों की सोशल मीडिया पर आए दिन आई. भाई, एक वक्त पर बी टाउन के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा अमिताभ और ऐश्वर्या के रिश्ते को लेकर ही हो रही थी. एक टाइम पर बी टाउन के गलियारों में सबसे ज्यादा खबरें अमिताभ और ऐश्वर्या के रिश्ते को लेकर ही आ रही थी. इन सबके बीच में कहा यह जा रहा था कि अब बिग बी बहू ऐश्वर्या के साथ नॉर्मल बर्ताव नहीं करते, अब बहू ऐश्वर्या ससुर अमिताभ का पहले जैसा सम्मान भी नहीं करती. कहने वालों ने कई तरह की बातें कही. एक के बाद एक खबरें आती रही, बस क्रिएट होता रहा. अमिताभ और ऐश्वर्या की कई गलत एंगल से क्लिक की गई फोटोज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई. और इन सबके बीच में एक बड़ा उस वक्त आया मोड़, जब फाइनली अमिताभ ने ऐश्वर्या को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया और बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिना मंच की परवाह किए सबके सामने अपने ससुर अमिताभ के पैर छुए. जहां एक तरफ ऐश्वर्या का ससुर अमिताभ के लिए ये रवैया सबके मन में प्यार के फूल खिला गया, वहीं इस तरह की अफवाहों पर भी विराम लग गया कि अब ऐश्वर्या और अमिताभ दोनों के रिश्ते वे हैं. खैर, यहाँ एक तरफ इस तरह की सभी खबरें फेक साबित हो गईं और वहाँ दूसरी तरफ हाल ही में बिग बी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ा एक ऐसा बयान दिया जो हर बहू का दिल छू गया होगा. दरअसल बहू ऐश्वर्या को लेकर बिग बी ने बातें की और कहा कि ऐश्वर्या के उनके परिवार में आ जाने के बाद कुछ खास बदलाव नहीं हुआ. उनके लिए ये कुछ ऐसा था कि उनके यहाँ से एक बेटी गई तो दूसरी बेटी आ गई. मतलब बिग बी ने ऐश्वर्या को बहू नहीं बल्कि शुरुआत से लेकर अब तक बेटी ही माना है.
कहने वालों ने कई तरह की बातें की, सवाल उठाने वालों ने कई तरह के सवाल उठाए, लेकिन इन सब के बीच में अमिताभ और ऐश्वर्या के रिश्ते की खूबसूरती क्या है, ये बात आप सब ने यहीं पर जान ली। इसके बाद तो यहाँ पर बारी आती है सास बहू की लड़ाई के बारे में। भाई सास बहू की लड़ाई तो घर घर की कहानी है, लेकिन जब ये लड़ाई बच्चन परिवार में हो तो मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। अब जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों का एक ही इवेंट पर अलग अलग जाना, अलग अलग वापस आना, और जब जब जया बच्चन से किया जाता सवाल बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनकी बॉन्डिंग को लेकर, तो सासू माँ यहाँ पर भड़क जाती। अब भाई ऐसे में खबरें बने नहीं तो क्या बने। इन सब के बीच में यहाँ फिल्मी गलियारों में सबसे बड़ा तूफान उस वक्त आया जब रिलीज हुआ ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर फिल्म ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर। बता दें आपको, ए दिल है मुश्किल के ट्रेलर में ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक्टर रणबीर कपूर के साथ कुछ हॉट सीन्स दिए, और इन हॉट सीन्स का एक बुरा असर लगता है जया बच्चन को पड़ा। जया बच्चन को बहू का इस तरह पर्दे पर बोल्ड होना जरा भी रास नहीं आया। तभी तो उन्होंने सीधे सीधे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को फटकार लगाते हुए कहा कि अब तो ऐसी ही फिल्में आनी बाकी रह गई हैं। जया बच्चन के इस बयान ने इस तरह की खबरों को और भी ज्यादा पक्का कर दिया कि जया को ऐश्वर्या का शादी के बाद फिल्मों में काम करना जरा भी पसंद नहीं है। लेकिन 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 इस तरह की खबरों पर भी ब्रेक लगा। ब्रेक लगा उस वक्त जब ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन एक इवेंट में पहुंचे, अलग अलग गाड़ियों से पहुंचे, लेकिन ऐश्वर्या खुद घर जाने से पहले अपनी सासू माँ जया बच्चन को मीडिया से बचाकर उनकी गाड़ी तक छोड़कर आई। भाई वाकई बहू अगर इतना कुछ करे तो सासू माँ का दिल भी पिघलता ही है। बस फिर क्या था, इसके बाद से ही ऐश्वर्या और जया को कई ओकेजंस में, कई गैदरिंग्स में एक साथ हंसते खेलते स्पॉट किया गया। इनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वीडियोस ने चर्चा बटोरी, और फिर लगा इस तरह की खबरों पर फुल स्टॉप कि ऐश्वर्या और जया बच्चन में होती है खटपट। आगे बढ़ते हैं भाई, अफवाहों का बाजार तो ऐश्वर्या और अभिषेक को लेकर भी काफी ज्यादा गर्म रहा है। कहा जा रहा था एक वक्त पर कि बेटी आराध्या की परवरिश आराध्या के फ्यूचर को लेकर ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों में मनमुटाव शुरू हो गए हैं। बेटी आराध्या के फ्यूचर को लेकर ऐश्वर्या अभिषेक एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, और बहुत जल्द दोनों एक दूसरे से ऑफिशियली अलग भी हो सकते हैं। लेकिन लेकिन इन सारी खबरों पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन जब अपनी लेडी लव के साथ, अपनी लवली वाइफ के साथ तलाक को लेकर खबर अभिषेक बच्चन के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने कह दिया, पूरे सम्मान के साथ ऐसी झूठी खबर लिखने से बचिए। मैं लगातार पोस्ट करने की आवश्यकता को समझता हूं, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी से खराब इरादे के बिना ऐसा कर सकते हैं तो वाकई मैं इसकी सराहना करूंगा, शुक्रिया। उन तमाम लोगों को अभिषेक बच्चन ने साइलेंट रिप्लाई दिया जो उनके परिवार के रिश्तों पर उंगली उठाते हैं, जो उनके परिवार में खटपट को लेकर खबरें छापते हैं। अब इसके बाद आती है ननद श्वेता बच्चन नंदा के साथ ऐश्वर्या की बॉन्डिंग। भाई ननद श्वेता बच्चन नंदा को लेकर ये खबर आई थी कि ऐश्वर्या ये जो है उनकी बेटी यानी कि नव्या नवेली नंदा उन्हें करती हैं काफी ज्यादा सपोर्ट, और ये चीजें ननद श्वेता को पसंद नहीं आती, और इसीलिए ननद भाभी में होती है खटपट। खबरें तो आती गईं, लेकिन आखिर में फेक ही साबित हुई। खैर अब इन सबके बीच में बात कुछ ऐसी है कि ये लड़ाई झगड़े तो घर घर की कहानी है, लेकिन अगर यही झगड़े बॉलीवुड के परिवारों में हो तो बन जाती है ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज बने भी क्यों ना। ये सारी फैमिलीज जो हैं लोगों की आंखों के सामने रहती हैं, यहाँ पर हमेशा लोगों की आंखें गड़ी रहती हैं, तो अगर रिश्तों में खलबली मचेगी खबरें तो बनेंगी। दोस्तों आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। ले रहे हैं आपसे विदा इस वादे के साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहिए अपडेटेड।